Presenting by MK Studio Gobar Chat. Kedi wo teri banata hi hoga. Bigadi wo teri banata hi hoga. Jab uski marzi se hoga, jo kuch bhi hoga, acha hi hoga. जो कुछ भी होगा कब तुझे अपने मालिक पर भरोसा जो होगा तुझे अपने मालिक पर भरोसा जो होगा जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। किस किस को लगता है कि मेरा मालिक जो मेरे लिए करेगा वो सब अच्छा होगा? किस किस को लगता है? कौन कौन से इसकी रजा में राजी हैं? किस किस ने एक को जाना है, एक को पहचाना है? एक बार दोनों हाथों को उठा करके अपने मालिक के लिए तालियां बजे एक साथ, 1, 2, 3 और 4। प्रेजेंटिंग बाय एमके स्टूडियो सेकंडों के अंदर हो जाता है ना भैया, वहां पे फिर हमारी मेहनत काम नहीं करती, फिर वहां पे उसकी कृपा का हाथ होता है, समझ लिया कीजिए। जब काम तुरंत बन जाता है ना, जब ये लगता है अरे ये तो सोचा ही नहीं था, बस एक बार खाटू गया था वापस आया तो ये मैंने देखा काम बन गया, उस समय उसकी कृपा का हाथ होता है भाई। एक बात याद आ गई, बोल दूं, इजाजत हो तो कह दूं। देखो किसी एक इंसान पे आधारित नहीं है, जब मैं ये बात बोलती हूँ ना तो अक्सर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं सारे। पंडित जी से ना पंडिताई नाराज हो गई, अब वही बात हो गई ना, एक एक पर्सन पे नहीं है, सब पे आधारित है। पंडित जी से पंडिताई नाराज हो गई, बोले क्या जी, जब देखो बाबा को भोग लगाना है, जब देखो बाबा को जिमाना है, आपके बाबा ने कभी खाया तो है ही नहीं, आपके बाबा कभी खाते तो है ही नहीं। अब पंडित जी को बात लग गई भाई, पंडित जी ने लिए 4 लड्डू। ओ भाई साहब, मैं जा भाई साहब हरियाणा ले जाऊं इसको, नेपाल भेजेंगे इसको, तो शरारती। ताली बजाओ,
बोले क्या जी, आपके बाबा ने कभी खाया तो है नहीं। अब पंडित जी को भी बात लग गई। पंडित जी ने लिए चार लड्डू, जाकर के मंदिर के प्रांगण में बैठ गए। बोले बाबा आज तो आना पड़ेगा आपको, आप तो लाज का सवाल है, आज तो आपको आना पड़ेगा और ये भोग आपको खाना पड़ेगा। अब सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लगा बाबा तो आए नहीं। उठाए चार लड्डू, जाकर के सड़क पर फेंक दिए और जाकर के सो गए। अब जब रात को सोए, सपने में बाबा आए, बोले बेटा लड्डू बहुत अच्छे थे, लड्डू बहुत अच्छे थे। बोले बाबा गरीब का तो सब मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं प्रभु आप ही उड़ा लो, गरीब का तो सब मजाक उड़ाते हैं, कोई बात नहीं आप ही उड़ा लो। बोले नहीं मैं सच कह रहा हूँ, लड्डू वाक्य में बहुत अच्छे थे। बोले बाबा मैं कैसे मानूं। बोले बेटा मैंने तुझे ऐसे तीन प्रमाण दिए, पहले मंदिर के प्रांगण में चींटियां आई, तूने चींटियों को भगा दिया, उसके बाद में उसी मंदिर के प्रांगण के सामने कुत्ता आया, तूने कुत्ते को भी कार दिया, उसी जगह पर एक भिखारी आया, तूने भिखारी को भी वापिस भेज दिया। बोले चलो बाबा मैंने आपकी बात मानी, मैं ये कैसे मानूं कि आपने फिर भी वो लड्डू खाए। बोले बेटा सड़क पर पड़े थे, थोड़ी मिट्टी लग गई थी, लड्डू फिर भी बहुत अच्छे थे। बोले खाटू नरेश की। क्या लगता है वो नहीं आता होगा, हमारा विश्वास गड़बड़ाने लग जाता है। क्या लगता है हम प्रेमी है बाबा के, प्रेमी नहीं है हम। क्या लगता है भक्त होंगे, भक्त नहीं है, भक्त बनना बहुत मुश्किल है भाई, हम तो इसके प्रेम के भी काबिल नहीं है, हम तो सौदागर हैं, हम तो सौदागर हैं, सौदा पट गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भगवान ढूंढ लेते हैं, वहाँ सौदा पटा तो ठीक है, नहीं तो तीसरा भगवान ढूंढ लेते हैं, हमारी फितरत में वो है। बस एक को जान लो, एक को पहचान लो, एक के ऊपर विश्वास कर लो। कर्मा बाई के कीचड़ के लिए थोड़ी आया था, उसके प्रेम के लिए आया था। अगर यहाँ पे प्रेम है ना तो दुनिया को चीर करके भी आपके दरवाजे तक पहुँच जाएगा, मेरा दावा है। आप तकमगा जाते हैं, हमारा विश्वास गड़बड़ा जाता है, हम पीछे हट जाते हैं, ये कभी पीछे नहीं हटता, ये प्रेम के लिए आता था, आता है और आएगा। सिर्फ प्रेम एक ऐसा जरिया है। बोले बाबा कीर्तन करवा रहे हैं, बोले बाबा बहुत बड़ा कीर्तन करवा रहे हैं, आपको आना है। बोले कीर्तन मेरा करवा रहा है और बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा कीर्तन करवा रहा हूँ, ऐसा बोला करो बाबा आपकी मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है प्रभु, करने वाले भी आप, कराने वाले भी आप, जब उसकी मर्जी से होगा ना फिर वहाँ पे कोई बिघन नहीं डलती, फिर वहाँ पे कीर्तन एकदम ठीक और सफल कीर्तन होता है, जैसा आज मनोहार कीर्तन मनोहार मंडल की ओर से कीर्तन हुआ। ढूंढेगा जो तू तुझे ना दिखेगा, आस पास है वो एहसास होगा, ढूंढेगा जो तू तुझे ना दिखेगा, आस पास है वो बाबूजी एहसास होगा, अंधेरे में दीपक जलाता ही होगा, अंधेरे में दीपक जलाता ही होगा, अच्छा ही होगा। कौन कौन कहेगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। सुना इतना समझ ले, कदम दो बढ़ा ले, इतना समझ ले कदम दो बढ़ा ले, तेरे साथ है वो मन में बिठा ले, तेरे साथ है वो ये मन में बिठा ले। तालियां बजाओ। एक प्रेमी ने ना रिंग से ना बाबा का निशान उठाया फागुन मेले पर, और साथ में एक बाबा की मोर छड़ी भी उठा ली। अब एक हाथ में बाबा का निशान उठाया है, दूसरे हाथ में बाबा की मोर छड़ी उठाई है, चल पड़ा बाबा के दरबार की तरफ। अब जा रहा है, रास्ते में क्या हुआ प्रेमियों, बहुत सारी उम्मीदें हैं मन में, बहुत सारी उमंगे हैं, बहुत सारा बड़ा विश्वास बाबा के प्रति, रास्ते में क्या हुआ, अचानक उस प्रेमी के पांव में कांटा लग गया। अब छलिया है, जब तक छल ना कर ले अपने प्रेमी के साथ आनंद थोड़ी आता है उसको, है
उसके उसके पाँव में कांटा लग गया, और जब उसके पाँव में कांटा लगा तो वो प्रेमी कांटा निकाले तो कैसे निकाले, एक हाथ में बाबा की मोर छड़ी पकड़ी है, दूसरे हाथ में बाबा का निशान पकड़ा है। मोर छड़ी नीचे रखता है मोर छड़ी का अपमान होता है, निशान नीचे रखता है तो निशान का अपमान होता है, कांटा निकाले तो कैसे निकाले। बाबा की तरफ ध्यान गया, बोले बाबा मैं यहाँ तक अपनी मर्जी से नहीं आया प्रभु, मैं तो अपने जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता आपकी मर्जी के खिलाफ, और यहाँ तक मैं अगर आया तो आपकी मर्जी से आया, अब आगे की मंजिल तुम प्रभु आप ही लेकर के जाओगे, मेरे बस की थोड़ी है। ऐसे करके तो बाबा बहुत उमंगे लेकर के आपके दरबार में आया था, आंखों में से क्या हुआ प्रेमियों, अचानक से पीछे से एक प्रेमी आया, उस प्रेमी ने बड़े प्रेम से बड़े अदब से उस प्रेमी का पांव उठाया और उस कांटे को निकाल दिया। वो प्रेमी नहीं था, वो प्रेमी के रूप में तीन लोग का मालिक आया उसकी रक्षा करने के लिए, और जब आता है तो इस कदर आता है। तालियां बजाओ। हम इतने सक्षम नहीं है, हम इतने वीआईपी थोड़ी है कि मैं रिंगस के मोड़ पर आकर के लेकर के जाएगा। जिस दिन प्रेम जाग गया ना, जिस दिन दिल से बुला लिया, उधर रिंगस के मोड़ से नहीं आपके घर के प्रांगण से लेकर के जाएगा, मेरा दावा है।